2021 से लागू है। इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए, खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान छत्तीसगढ़ की तकरार में गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक बनी योगी सरकार। पंचायत समिति सूरतगढ़ का परिणाम हुआ घोषित, 15 साल बाद कांग्रेस ने मारी बाजी। छह दिन पूर्व हुई हनुमान मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कोयले को लेकर 2 कांग्रेस शासित राज्य सरकारों की जंग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। दरअसल 2 कांग्रेस शासित सरकारों की जंग में राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है कि छत्तीसगढ़ की भूपेल बघेल सरकार ने राजस्थान की गहलोत सरकार को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक्स में खनन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ऐसे में राजस्थान में गहराते बिजली संकट के बीच योगी सरकार मददगार बनकर सामने आई और राजस्थान सरकार को 700 मेगावाट बिजली उधार दी। दरअसल जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को कोयले की खनन की मंजूरी देने से इनकार किया, नाराज अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दखल की मांग की, मगर बात बनने में देरी को देखते हुए और राजस्थान में कोयले की कमी से गहराते बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने योगी सरकार की ओर रुख किया और उसने यूपी सरकार से 700 मेगावाट बिजली उधार लेने का करार किया। हालांकि ये बिजली वापस उत्तर प्रदेश को लौटानी होगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान के पास महज 10 दिन का कोयला बचा है। अब खबर जयपुर के चौमू से, जहां चौमू नगरपालिका के दस्ते ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। सह प्रशासनिक अधिकारी दीपा सैनी, एएसआई संदीप कविया, जय किशन सैनी की अगुवाई में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। दस्ते को देखकर अतिक्रमण करने वालों के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में उन्होंने अपना सामान रोड से समेटना शुरू किया। नगरपालिका ने बस स्टैंड संजय पार्क के पास हो रहे अतिक्रमण, रोडवेज डिपो के पीछे बावड़ी गेट, लक्ष्मीनाथ जी का चौक, चौपड़, रावट गेट, डोली मंडी आदि सभी जगहों से नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया। ये कार्रवाई अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी के निर्देश पर हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद अतिक्रमण फिर से नजर आने लगा। जैसे जैसे नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाए, उसके कुछ ही देर बाद दोबारा अतिक्रमण हो गया। चौमू बस डिपो पर अतिक्रमण के कारण आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस डिपो के चारों तरफ और चौमू बस स्टैंड पर लगी लाल बत्ती के नीचे भी चारों तरफ अतिक्रमण होने के कारण ट्रैफिक जाम रहता है। अब खबर नागौर जिले से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेह में 31 साइकिलों का वितरण किया गया। व्याख्याता पुखराज खाती ने बताया कि सरकार के द्वारा राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की जाती हैं। विद्यालय में सत्र 2020 से 21 में 22 तथा 2021 से 22 में 9 बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया है। मुख्य अतिथि सरपंच रणवीर सिंह उदावत के हाथों साइकिलों का वितरण किया गया। सरपंच रणवीर सिंह ने ग्रामीणों से अपील की कि बालिकाओं एवं बालकों को राजकीय विद्यालय में अध्ययन करवाकर सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस ने बाजी मारी है। लगातार 15 साल बाद कांग्रेस अपना प्रधान बना पाएगी। सूरतगढ़ पंचायत समिति में मील परिवार ने इस चुनाव में जीत तोड़ मेहनत करने के बाद सफलता हासिल की। कांग्रेस को 22 जोन में से 14 सीट मिली, वहीं भाजपा को 6 सीट मिली, निर्दलीय 2 सीट, तो वहीं चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खाता तक नहीं खुला। सबसे ज्यादा मुकाबला राजियासर व उदयपुर गोधरा जोन पर रहा।
पंचायत समिति का जो रिजल्ट आया है, कांग्रेस 14 सीटों पे जीती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? 15 साल से यहाँ पे बोर्ड नहीं बना कांग्रेस का। मैंने चुनाव के अंदर जब भी मैं गांव में गया हूँ, मैंने हर जगह हर मीटिंग में यही बोला है, कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, आगे ऊपर सरकार जो कांग्रेस की है, कांग्रेस के साथ प्रधान और प्रमुख कांग्रेस का बनाओ, ताकि जो सरपंच अभी अधूरे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा, उनके कंधे से कंधा मिला के आगे अगर उनका प्रधान और उनका प्रमुख बने, तो ये जो बचे हुए गांव के काम है, ये काम संपूर्ण रूप से हो सके और गांव का विकास हो। तो जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? जीत का श्रेय पूरे सूरतगढ़ की जनता को देना चाह रहा हूँ कि सब ने हमारे साथ सहयोग किया और कंधे से कंधा मिला के पुरजोर कोशिश, सब भाई और बहनों ने बहुत हिम्मत करी और हर जगह जब हम गए तो सब की तरफ से हमें बहुत ज्यादा उत्साह मिला, उससे हमारी एनर्जी मिली और हमें वोट मिली। अब खबर बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से, जहां गोरक्षनाथ बस्ती और वीर तेजा कॉलोनी में संघर्ष समिति द्वारा राजस्थान सरकार से पीड़ित गरीबों को न्याय दिलाने की मांग की गई। धरने को 729 दिन हो गए हैं। मौके पर पीड़ित गरीब परिवारों द्वारा दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई, तोड़े गए मकानों का मुआवजा एवं पट्टे बनाने की प्रशासन एवं सरकार से मांग की गई। संघर्ष समिति की तरफ से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कम व्यक्तियों को ही धरने पर बिठाया गया। उपाध्यक्ष देवाराम नायक, सिकोरी देवी मेघवाल एवं संयोजक हेमनाथ जाखड़ सहित अन्य लोग धरने पर बैठे। अब खबर बारा जिले के हरनावदा शाहजी से, जहां 6 दिन पूर्व हुई हनुमान मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना ने बताया कि 6 दिन पूर्व हुई हनुमान मिश्रा की हत्या के मामले को लेकर डीएसपी ओमिंद सिंह शेखावत छबड़ा, साइबर सेल, एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड टीम की मदद से आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए गए थे, जिनके आधार पर हरनावदा शाहजी में दर्ज हत्या के प्रकरण में अनुसंधान करते हुए मामले को गंभीरता से लेकर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार पिछले 6 दिनों से आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें हरनावदा शाहजी के रहने वाले आरोपी नीरज कुशवाहा और अशोक कुशवाहा को सरवाड़ अजमेर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से मामले को लेकर आगे पूछताछ जारी है। वहीं परिजनों द्वारा हत्या के मामले में आज एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर हरनावदा शाहजी में नामजद प्रकरण दर्ज करवाया है। हुआ किस तरह का अपराध था, पुलिस तहकीकात के बाद किस नतीजे पर पहुंच गई, क्या वर्तमान स्थिति? हरनावदा शाहजी में 16 को एक डेड बॉडी मिली थी और जिसकी पहचान एक हनुमान मिश्रा जी के रूप में हुई। इतने सारे कस्बा वाले मिले थे, बता रहे थे कि यहाँ पर काफी अपराध हुआ है, पहले भी इस टाइप से अपराध हुआ है, लेकिन ये फेस आउट होना चाहिए। पुलिस ने पूरी टीम बनाई, साइबर सेल की भी इसमें मदद ली गई, छबड़ा सर्किल के SHO की टीम बनाई गई और सभी तरह से साक्ष्य जुटाई गई, उनको भी पता किया गया तो ये पता चला कि मृतक और ये जो आज हमने मुलजिम दस्तियाब किया है, इनके आपसी में किसी अवैध संबंध को लेकर कोई मन मुटाव था, रिकावट कर मन में रजिश थे और इसको लेकर रात्रि को आपस में शराब राब पी रही थी। इस वक्त के दौरान विकास ने मर्डर किया गया। किन चीज से, मतलब दाल वाला किया था, पत्थर था, क्या कुछ पूरा जस्ट वो उनको लेके आए हैं, हम उसका पूरा सुधार कर ही रहे हैं, जस्ट वो आज आए हैं। तो आप देखते हैं कि आप सभी चुनाव में आप उपस्थित सुधार की बात बताइए, पर वो मुलजिम को दस्तियाब, मतलब उसी का मित्र था, कह सकते हैं कि उसी का मित्र था। हाँ, उनके साथ उठक बैठक साथ बैठना है तो सबसे बात ठीक है। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्य